नमस्कार दोस्तों, जनरल अलायंस में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में गठित हुई थी, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे और MCQ आंसर्स देखेंगे घटना चक्र ने जो दिया गया है। ठीक है, तो आइए नोट से स्टार्ट करते हैं। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। ठीक है, मई में बैठक हुई थी पटना में, उसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की मान्यता दी गई। इसके बाद 1934 के दौरान मई में बम्बई में इसकी नीतियाँ और कार्यप्रणालियाँ तय की गई। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, जो पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी थे, उसके संयोजक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। इन नेताओं ने युवाओं को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो उद्देश्य क्या था? कि युवा वर्ग कम्युनिस्ट पार्टी को ना जाए। ठीक है, इसके अनुसदस्य कौन कौन थे कांग्रेस समाजवादी पार्टी के? अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू हसानी, राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम, विक्रम दास, यूसुफ मेहर अली और गंगा शरण सिंह। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। किससे जुड़े हुए थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामरक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने किया था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के इसने गंगा शरण सिंह, रामरक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने किया था। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे, वे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अरुणा सैफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। रेडियो भी चलाया था इन्होंने गुप्त रूप से। ठीक है, इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तो कब किया था संपूर्ण क्रांति का आह्वान? 5 जून 1974 को। ठीक है, वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। 1999 में मिला था इन्हें भारत रत्न। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई, जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना और जयप्रकाश नारायण की रिहाई की मांग की गई। 20 मई 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए थे। तो कब किए थे? 20 मई 1936 को। ठीक है, और यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। क्या था? समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू के लखनऊ अधिवेशन में कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी तो पटना में हुई थी, सी मई पटना में हुई थी 1934 में। पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियां एवं कार्यप्रणालियां तय की गई। सेकंड है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई तो वर्ष कब? 1934 में हुई थी। बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसमें ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। इसने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी। तो ऐसा कुछ नहीं था इनमें। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों और करों के बहिष्कार का समर्थन किया, ना कि करों के अपवंचन का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहता था। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व तो स्थापित करना है इनके लक्ष्य नहीं था, यह मार्क्सवाद का लक्ष्य था। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत भी नहीं की थी। ठीक है, तो कोई नहीं है इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण दो थे मैन। इन्होंने ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी की भी स्थापना की थी।
ठीक है, स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी। और अन्य सदस्य इसमें कौन कौन थे, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू वसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहरअली, गंगा शरण सिंह और कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। तो सी आंसर हो जाएगा इसका, बिहार के परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये, क्योंकि जयप्रकाश नारायण मेनली बिहार से थे। ठीक है, वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी और अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में हुआ था। नेक्स्ट, अब वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था, तो जयप्रकाश नारायण थे। सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वर्ष 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। इसके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता आदि प्रमुख थे। जयप्रकाश नारायण की पार्टी को का महासचिव और आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी को जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, तो किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। बी आंसर हो जाएगा, वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। और इसके अलावा भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी को, और कांग्रेस के भीतर ही थी ये, ठीक है, और योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव आदि द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, तो कौन सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, जो 1934 में बनाई गई थी। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, ठीक है, इसमें हमारा और ऑप्शन और कोई दिया नहीं है इसलिए। हालांकि जो गठन था वो किसने किया था, गंगा शरण सिंह, राम रक्ष मेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने किया था। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। सी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अणा आसिफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाने जाते हैं, तो ये लोकनायक के नाम से। बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो लोकनायक की उपाधि दी गई थी। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण दिवस, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो अप्रैल 1946 को मनाया गया था। ठीक है, इनकी रिहाई हुई थी उस उपलक्ष्य में, ठीक है, रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया जब पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना और जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। नेक्स्ट है, 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, तो बिल्कुल, इसको समस्त भारत में बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, तो दोनों सही हैं, एक और दो। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। वर्ष 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था, इस मैनिफेस्टो को बृहद व्यापारिक सहयोग का, समुदाय का सहयोग भी मिला, अतः प्रश्न का दोनों कथन सही है। प्रांतीय चुनाव, मंत्रिमंडल का गठन, ये जो 1937 में हुआ था, अब उसको देखते हैं। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों को सफाया करते हुए 5 प्रांतों, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत या बराट, संयुक्त प्रांत उड़ीसा, यहाँ पर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। ठीक है, चुनाव कौन से अधिनियम के तहत हुए थे, वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर हुए थे। ठीक है, 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए थे इसमें, 1937 में, और मद्रास में 65% मतों के साथ 215 में से 159 मत मिले थे, मतलब 65%। बिहार में 75% सीटों पर, और इसके अलावा मध्य प्रांत और बरार में 61% और संयुक्त प्रांत में 65%, उड़ीसा में 60%,
ठीक है, पूर्ण बहुमत मिला था। और बंबई में 175 में से 86 असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। ठीक है, केवल बंगाल पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। ठीक है, वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत वर्ष 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितना था? कार्यकाल 28 माह था। ठीक है, 28 माह था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ठीक है, ये प्रांत कौन कौन से थे, कहाँ पे मंत्रिमंडल गठित किए थे? तो ये मद्रास में किया था, बम्बई में किया था, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत। ठीक है, बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस के सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 के में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। क्या किया था कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने? क्या भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकार द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाशनाथ काटजू थे। ठीक है, कौन थे? प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और कानून और न्याय मंत्री कौन थे? कैलाशनाथ काटजू। ठीक है, जबकि वित्त विभाग रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों को शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालानुक्रम इस प्रकार है। पीरपुर रिपोर्ट 1938 और शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939, फजलुल हक रिपोर्ट तथा अथवा मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1929। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस का निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो पंजाब में नहीं मिला था, बंगाल पंजाब में। ठीक है, और सिंध में। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए क्या किया? 5 प्रांतों में बहुमत, पूर्ण बहुमत हासिल किया। कहाँ पे? मद्रास में, बिहार में, मध्य प्रांत परार और क्या है, संयुक्त प्रांत। ठीक है, और उड़ीसा, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत असम में भी कांग्रेस के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल गठित किया। ठीक है, नेक्स्ट, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत हुए थे ये 1937 में चुनाव। ठीक है, नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया? तो बंगाल में नहीं किया था इसमें वाले ऑप्शन में, बिहार, मद्रास, उड़ीसा में किया था। ठीक है, नेक्स्ट, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 5 थी ये जहाँ पर बहुमत मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। तो बंगाल, पंजाब में नहीं बना था। ठीक है, 3 और 4 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, 3 4 किसमें? बी हो जाएगा आंसर। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? तो पुनः वही चीज़ है, पूर्ण बहुमत देखिए, असम में भी प्राप्त नहीं हुआ था, बम्बई में भी प्राप्त नहीं हुआ था, बिहार उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, कि कहाँ मिला था? बिहार में मिला था, उड़ीसा मिला था, बम्बई और असम में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ठीक है,
लेकिन हाँ असम में सबसे बड़ा दल थी। ठीक है, वह प्रांत जहाँ 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, तो कहाँ नहीं बनाई थी, बंगाल में नहीं बनाई थी। 19 जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किया। ये प्रांत कौन कौन थे, कौन कौन से थे, मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत, बाद में पश्चिमोत्तर और असम भी शामिल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, तो 5 प्रांतों में बना था मैन, फिर उसके बाद में 2 और जुड़े। ठीक है, वर्ष 1900 इसमें ऑप्शन में नहीं है ये, तो इसलिए कुछ नहीं इन्होंने दिया। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत एवं बरार तथा उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पे बहुमत प्राप्त किया। बम्बई, असम और उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल बनाने से वंचित रही। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत, बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए। उत्तर यूपी पीसीएस में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। देखिए 6 में तो बनाया था, 6 के बाद 2 और थे, तो 8 प्रांतों में बनाया था इन्होंने मंत्रिमंडल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था, तो पंजाब में नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल तो ये 28 मई था, इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और 22 दिसंबर 1939 को फिर जिन्ना ने क्या बनाया, मुस्लिमों से बोला मुक्ति दिवस मनाने के लिए। ठीक है, वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 मई था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत, बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना ने भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया था। नेक्स्ट है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला, तो 28 महीने चला था, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 39 में मनाया था, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व का समाप्त करने की नीति अपनाई, तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में बनाई थी, इसी में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। ठीक है, संयुक्त प्रांत बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। नेक्स्ट है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था, और रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था वित्त विभाग। ठीक है, वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस की सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे, जबकि वित्त विभाग जो था वो रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायत से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, तो 1, 2, 3 हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्या थी, ये मुस्लिमों को की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट थी, पीरपुर रिपोर्ट 1938 और शरीफ रिपोर्ट 1939 और हजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939 में। अब कांग्रेस का त्रिपुर संकट
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।